ये गाड़ी हो चाहे बीवी, नई नई होती है ना तो उसको भैया ये ना मेरी अगर गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं पक्का इनको ये वाला दिलवाता, ये नहीं दिलवाता, बट ये मेरी वाइफ है इसलिए मैं ये नहीं दिलवा रहा और ये दिलवा रहा हूँ। ठीक है, फर्क है। ये पापा अपने बेबी को पढ़ाते हुए केक की दोनों टांगे तो मोड़ दिया आपने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनेन्द्र 7 व्लॉग्स। एंड हम लोग निकल रहे हैं फटाफट से, अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो कल है एक एंगेजमेंट फैमिली में, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी करनाल। और अभी हमने अपना सारा का सारा सामान फैला लिया है। एंड यार क्या है ना कि एक्चुअली फैमिली फंक्शन है, तो पास ना कह रही है गंदी गाड़ी अच्छी लगी, तो मैं जा रहा हूँ प्लॉट, वहाँ पे पहले गाड़ी को साफ करूंगा फिर लेके आऊंगा। फिर नहीं बोला मैंने, इसलिए बोला कि मैं इनको हर बार टोकती हूं, उसको बिल्कुल क्लीन नहीं करते हो। मैंने कहा आप ले आओ, मैं यार एक यही चीज होती है, गाड़ी हो चाहे बीवी, नई नई होती है ना तो उसको सिर्फ जब नई नई होती है ना तो बंदा ना पता है बहुत ध्यान से रखता है, केयर करता है। ठीक है, एक बार जैसे से वो पुरानी हो जाए ना छोड़ यार। पर दोनों में पता है डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है? गाड़ी नहीं ला पापा जो लेट हो रहे हैं सॉरी। गाड़ी और बीवी में एक चीज ऐसी बताओ कि जो होती होती है। हाँ, गाड़ी और बीवी एक ऐसी चीज है कि दोनों को जितने संभाल कर रखोगे उतने तुम्हारी लाइफ में काम आएंगे। मैं बताऊँ मम्मी, गाड़ी और बीवी में क्या चीज कॉमन होती है कि जब वो नई रहती है ना तो जो इंसान होता है ना उसकी बहुत केयर करता है, पर जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है ना तो केयर करना बंद कर देता है। तो केयर करना बंद कर देता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है जितने संभाल कर रखोगे उतने। पर एक और बात बताऊँ मम्मी, गाड़ी नई लाई जा सकती है पर बीवी नहीं। वो तो है पर यार उपासना कह रही है क्या इसी दिन के लिए मैंने BAMS करी थी, डॉक्टर बनी थी। एक्चुअली यार गाड़ी कई दिनों से खड़ी थी, स्टार्ट नहीं हो रही। रुक जाओ पक्का, ए देख के आगे पीछे देख लियो। पहला गियर डालना जब मैं धक्का देना स्टार्ट करूं और रेस पे पैर क्या न्यूट्रल रखो ना, हैंड ब्रेक तो डाउन कर, हैंड ब्रेक ऊपर करके बैठी है। रिद्धि बाय बाय मम्मी, आज मत चश्मा तोड़ देना। तो बहुत ही बड़ा स्ट्रगल, क्योंकि गाड़ी फिर दोबारा जब मैकेनिक को लेके आए थे भैया ने स्टार्ट करवाई, फिर आधा घंटा स्टार्ट रखी लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट होनी बंद। अभी आ रहे हैं, अभी दुकान तक जा रहे हैं बिस्किट लेने। नहीं नहीं आप अभी बेटे पेपर है ना आपके, बाय 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 कर दो। मम्मी एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, रोना नहीं है। मम्मी का एक दिन भी मन नहीं लगता। सोचो हिमाचल मम्मी कैसे रहते होंगे, उनको आदत हो गई है ना यार। हाँ। तुम 9 साल से रह रहे हो। बाय। सो फाइनली धक्के मारने के बाद मेरी गर्दन को पूरा तरह से हिलाने के बाद जिससे दोबारा दर्द शुरू हो गया, बड़ी मुश्किल से मैं स्टेबल करा के आई थी, इसको सेट करा के आई थी। तो हम निकल चुके हैं। आइडली ये है कि इसके आने के बाद हमें नई गाड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि इस गाड़ी को मेरे से बहुत दुश्मनी है। यार पता क्या, एक्चुअली ना गाड़ी यार खड़ी रही थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाड़ी ना खड़ी रही थी और हम हिमाचल चले गए थे और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ सीन बना कि यार हम ना चलाने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, और अब स्टार्ट करी तो भैया ने क्या हुआ स्टार्ट करवा के गए, लेकिन उसके बाद आधा घंटा स्टार्ट रखी, उसके बाद भैया फिर बम बोल गई। तो फिर मैंने कहा बैटरी चेंज करवा लेते हैं भैया, हम निकल गए हैं यहाँ से, हम करनाल जा रहे हैं, फटाफट निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं करनाल, मेरी बुआ की बेटी है सबसे छोटी, उसकी एंगेजमेंट है। गाड़ी इसको हटा दो ना प्लीज। हाय बेबी। हेलो। हाय अरुण, किथे चले हो? मैं क्या किथे चले हो? मोरनी बन के, मोरनी बन के चीना हराम कर रखा है इस बंदे ने, चीना हराम मेरा कर रखा है। मैं मेरा ना हंस हंस के पेट दर्द हो गया।
मैं आप लोगों को यार बता नहीं सकता, मतलब लिटरली आप हमारी कन्वर्सेशन सुनोगे ना आप लोगों का पेट दर्द हो जाएगा आपके भाई, पता पेट दर्द हो जाएगा। मेरे को गाड़ी चलाने दे, मैं मजाक नहीं कर रहा, गाड़ी साइड में लगा के सूत दूंगा पकड़ के यहीं पे बढ़िया तरीके से। पता क्या हुआ, कह रही कि कभी करी नहीं तारीफ आपने आज तक, कभी करी नहीं तारीफ। मैंने कहा भाई कुछ होना चाहिए ना तारीफ करने लायक। कह रहा दुनिया की बीवियां ऐसी नहीं होंगी, इतना इतनी अच्छी तुम्हारी बीवी है। मैंने कहा दुनिया की बीवियां भी अपने पति को यही बोलती हैं। कह रही औरों की बीवियां बोलती होंगी पर मैंने करके दिखाया। मैंने कहा वो भी दुनिया की बीवियां बोलती है कि हमने करके दिखाया। भाई तुम मुझे ये बताओ, कह रही कभी बोला आपने कि मैं एडमायर किया कभी? पहला ऐसा पति होगा जो बीवी से सैलरी लेते हैं, बताओ बोलो, डिनाई करो इस चीज को। आई डिनाई अब करेंगे टंकी खाली, अभी भी यार काफी लंबा रास्ता है। अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है यहाँ पे, बताऊँ क्यों? बता दूँ, मुझे लाइम सोडा पीना है। और अभी इनको ये पसंद आ गया, ये सही है, ये भी पसंद है। ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये वैसे ही बहुत चिड़ियाघर खुला हुआ घर में, वैसे ही चिड़ियाघर खुला हुआ, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, ना ये क्यूट लगने वाला कहीं से। अच्छा, दिस वन लुक्स बेटर, ठीक है, क्लासिक एंड क्लासी भी लग रहा है एंड बेटर भी लग रहा है। ये कुछ नहीं है, अब मैं बोलना नहीं चाहता, बस थोड़ा सा बेकार, अरे बिल्कुल बेकार, अरे नहीं उपासना बेकार लग रहा है। भैया कह रहे हैं गर्ल्स की आइटम है, गर्ल्स को पसंद आती है, भैया लेडीज अरे नहीं ये बेकार लग रहा है ये, अरे बहुत बेकार जीन्स, क्या चाहे तुम इसको, मैं कह रहा हूँ घाघरा चोली के साथ डाल लो तब भी बेकार, नहीं सच में नहीं आ रही, मैं मना थोड़ी करता है, इतना बढ़िया क्लासी पीस दिलवाया है, बोलो भैया बताओ उसके। अब आई ना मेन बात, ये प्रोफेशन के हिसाब से नहीं, अगर ये बहुत सॉफ्ट है वो पता किस लिए बना, अपनी क्लिनिक भी लेके जाओ। अगर भैया ये ना मेरी अगर गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं पक्का इनको ये वाला दिलवाता, ये नहीं दिलवाता, बट ये मेरी वाइफ है इसलिए मैं ये नहीं दिलवा रहा और ये दिलवा रहा हूँ, ठीक है, फर्क है, आराम से आराम से। अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं पक्का ये वाला ही दिलवाता, क्योंकि भैया एक्चुअली ये सस्ता है, थोड़ा टाइम पीछे चले जाते। ये इतना भैया एक्चुअली क्या है कि फंकी फंकी लेके रखे पर वो मजबूरी फंस जाती है कि क्लिनिक पे नहीं आता, और एक्चुअली हमारे घर पे दो बच्चे हैं, वो लड़ाई हो जाएगी उनमें कि ये मैं टांगूंगी, ये कहेंगे ये मैं टांगूंगी। अरे नहीं लग रहा यार, तुम ये भी तो सोचो कि तुम हो क्या। तो यार पता क्या कि ना वहाँ पे ना हमारी पता कैसे लड़ाई हो जाती है, उपासना कहती है कि अरुण मैं पे करूंगी मैं पे करूंगी, मैं कहता हूँ कि कॉपीराइट आ जाएगा, जल्दी आ गया जल्दी आ गया, कॉपीराइट आ जाएगा, मैं कहता हूँ कि मैं पे करूंगा, उपासना कहती है मैं पे करूंगी। अब पता ऐसा क्यों होता है उपासना, मैं क्यों कहता हूँ, कल को यार मैं भी तो बोल सकूं मैंने कुछ दिलवाया है, तुम तो गुस्से में होगे, कभी लड़ाई होगी तो कह दो तुमने आज तक अरुण दिलवाया क्या है मुझे, मैंने कहा दिलवाया है। चलो यार अब निकल रहे हैं यहाँ से, एंड 2-3 मिनट हो चुके गाड़ी में बैठे हुए, एंड स्टिल वी आर डिस्कसिंग। यार वो सच में बहुत बेकार है, देखो आप क्या हो, मैं एक लड़की हूँ, लड़की को वो बैग चाहिए, अरे भाई हर जगह मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मतलब हम जब ट्रिप्स पे जाते हैं यार अरुण प्लीज, मतलब मैं तुम्हें उससे अच्छा दिला दूंगा, भाई उससे अच्छा दिला दूंगा, नहीं हम वापस ज्यादा टाइम लेंगे अगर नहीं हुआ तो, रोक दिया तो मैंने। अमायरा क्या कर रहे हो, अमायरा क्या कर रहे हो, कौन है ये, और ये पापा अपने बेबी को पढ़ाते हुए, केक की दोनों टांगे तो मोड़ दिया आपने, हैं केक की दोनों टांगे मोड़ दिया, तो ये अब हम पहुंच गए हैं, तो अरुण अभी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वेरी सून बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। ओ भाई रुक जा, तो अभी मीनू दास है ना, अभी यहीं से लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, अब करना है डिलीवरी करवानी हमें, इसलिए तो ये मेरी बेइज्जती कराती है मीनू, मैं तो छोटी सी, देखो मायरा कितनी पहुंच गई, मैं रह गई तुम्हारी गलती हो गई मायरा, हां बेटा टांग मुड़ गई थी। कौन है, अरुण छाया, जी मौसा जी हैं या फूफा जी हैं? अच्छा मैंने पहले भी ये पूछा था कि बताओ कैसे,
कि मैं अमायरा का मौसा भी लगता हूँ और फूफा भी लगता हूँ। बताओ ये राहु ऐसे मत करो, दोनों भारी चीजें कर गए एक साथ। तो हाँ अरे मैं आपके बारे में नहीं कह रहा तो बताओ कैसे कि मैं अमायरा का ना फूफा भी लगता हूँ मौसा भी लगता हूँ, बताओ कैसे। अमायरा अभी पौने तीन साल की है, अपनी जिम्मेवारी छड़न पीछे ने स्कूल पाता बेचारी दा सिलेबस। मीनू ने ना हमें ये होमवर्क करवाने को बुलाया है। ठीक है, अमायरा का सिलेबस भी है पौने तीन साल में और ये मिड टर्म वन का सिलेबस बहुत एडवांस हो गया। तो मतलब ये वैसे अच्छी चीज है कि जो स्कूल्स हैं वो इतना भाई अब अच्छा फुफा जी ये सुनाओ, ये अमायरा को देखो ये पौने तीन साल गए, ये लर्न है हमें नाक नहीं पहुंचना आता था। अमायरा सुनाना, अभी भी नहीं आपकी शर्ट से तभी तो पहुंचे। अमायरा आप इन द ब्लू स्काई सुनाना। मेमोरी कार्ड बढ़वा रखा है क्या? स्विमिंग 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 हम जब थे ना छोटे छोटे तो पता क्या रखा था ये याद कर। हम जब थे ना इतने छोटे छोटे तो कोई आता था घर पे तो घर वाले कहते बेटा गाना गा के सुनाओ डांस करके दिखाओ। ये भाई पोएम वोएम याद कर रखी ये सॉन्ग्स सॉन्ग सुनाओ यार बहुत अच्छी बात भाई। बोरियां दे जीन्स है ठीक है भाई, तुम कहीं तो ऐसा स्कोप छोड़ दो कि तुम्हारी तारीफ ना हो। है छोटी बोरी है रोंग हो गया यार रोंग हो गया ऐसे नहीं करते बेटा ऐसे नहीं करते रोंग हो गया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है छोटे बच्चे की स्टडी में वो कर रहे हो आप इंटरप्ट। हमारा क्या लिख रहे हो आप? मेरे को तो लग रहा है और चार पांच सालों में नर्सरी में यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। मेरे को भी लग रहा है मतलब हमारे अगर बच्चे जैसे हमने जिस हिसाब से प्लान किया जब तक वो जाएंगे आज के पांच साल बाद जब तक प्री नर्सरी में होंगे वो कुछ और लेवल। एक साल हो गया शादी के बाद से प्लान ही कर रहे हैं मतलब बातों बातों में अभी अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब अभी अपना नर्सरी का सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं ठीक है, इनका टेस्ट है। बट मैं देता हूँ रॉन्ग हो गया ना रॉन्ग हो गया। एक भाई अमायरा है अपने आप कर रही है, हमने कहा कि बेटा रख दो कल छुट्टी है नहीं करी अभी करके सोऊंगी उनका। अच्छा एक अभी पापा ने वहां से वीडियो बना के भेज दिया कि भाई तुम्हारे जाते रिद्धि काम नहीं कर रही है रो रही है पढ़ नहीं रही है ये नहीं यार मत करो यार ऐसे डिस्टर्ब मत करो। अब इसको करंट अफेयर्स भी याद करवाने यूपीएससी के लिए। ये ना जरूर ये कंपनी ना किसी लड़की की होगी भाई, इतने कलर बना रखे हैं शेड्स डाल रखे हैं, पिंक के तीन शेड हैं। ओए देख मैं मीनू और देख पीछे की तरफ खोल ली ना पूरा स्टैंप लगानी है ना। अच्छा ये स्टैंप है ये मेरे पास भी तो ये इसका ये कौन सी स्टैंप है स्टार की अलग-अलग शेप्स की ये मत बोलना कि तुम्हारे टाइम पे नहीं। अरे यार नहीं थे मीनू अंदरनी से स्टिक दे सारे को सारे होते थे सब नानी माली आके देते थे आपने चीजें ली नहीं। हम बहुत मेरे और मीनू के पास इससे भी बड़े बड़े डिब्बे होते थे इतने बड़े बड़े उसमें तो अलग अलग तरह के वो होते थे। अच्छा अटैच ही होती थी वो डिब्बे क्यों बोल रहे हो वो अटैच ही थे दोनों बहनें कैसे बोली एक साथ होती मैं कह रहा हूँ दोनों बहनें कोरस में निकली हैं एक साथ चले एक बार कोरस में बोलो ना दोबारा अटैची होंदी सी इस बेचारे से उठ नहीं पाएंगे इस बेचारे बच्चे भाई इसमें क्या ये मछली ये क्या है ये बो किसकी बो अरे बो मतलब अच्छा ये जैसे ये है ना ऐसे मेरी और मीनू के पास फोर वाली टैची थी ऐसे करके वो पूरी करती थी उसमें एक तरफ पेंसिल कलर कैसे हमें खबर है कलर एक तरफ स्टिक वाले मोटे फिर पतले फिर उसमें एक वो
फूक वाले कलर आते थे और स्टैंप्स होती थी। भाई मुझे लग रहा है चूड़ी वाले डब्बे की बात कर रही हो तुम, ये चार लेयर खुलती थी ऐसे खुलती थी। हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, वो पेन वाले पाउच हो गए, मतलब जो सबसे ट्रेंडिंग होती थी वो चीजें होती थी। हैशटैग शो ऑफ कहते हैं इसको। ओ भाई काश उस टाइम किया होता। ये क्या है, ये बेर, ये पत्ती, ये इसकी।